हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल। कैसे हैं आप लोग? और ये देखो, यहाँ से मैं टिकट ले रही हूँ कहाँ की, आप लोगों को टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और देखिए कितना सब कुछ चेंज हो गया, इस तरह से अब सारे ये निकलते हैं, अपने आप से खुद ले सकते हैं टिकट वगैरह। ये तो मुझे, मैंने ये वाली मशीन का पहली बार देखा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गई नहीं हूँ मेट्रो से, काफ़ी टाइम बाद गई हूँ। और बस उसके बाद मैंने टिकट ले के, और ये उसके बाद वहाँ कोई बैठा नहीं था, और फिर उन्होंने खुद से ले लिया था जब तक आया था बंदा देने के लिए। तो मैं तो फिर भी वेट कर ली थी, उन्होंने खुद ही निकाल लिए थे। और बस मेट्रो का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और सबको देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, क्योंकि वही ना, गाड़ियों में जाओ तो अंदर बंद बंद रहते हैं, और मेट्रो वगैरह या किसी भी अपना तुम व्हीकल यूज़ करते हो तो उसमें हर तरह का सब चीज़ देखने को मिल जाता है, और घूमना फिरना हो जाता है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा था एकदम से, बड़ा मन मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है एकदम से ना। और बस मेट्रो का वेट कर रहे हैं, यहाँ मेट्रो आएगी और मैं जा रही हूँ आज चांदनी चौक, और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। कैसा है रहा वहाँ का तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और बस ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पैसा अपना बचाना है तो चांदनी चौक ज़रूर जाइए। वहाँ के रेटों में और इधर के रेटों में बहुत अंतर है, और मैं भी सोचती हूँ कि जाना चाहिए, पर मेरा भी जाना हो नहीं पाता कभी कभी। बस देखो इतना टाइम बाद अब गई हूँ, कुछ काम था इस चक्कर में जाना पड़ गया। मैं कहा चलिए चलते हैं, वरना तो जाना हो ही नहीं पाता, और फिर इसके लिए टाइम भी चाहिए। वो तो माता रानी की कृपा समझो, फटाफट हो गया था वहाँ पर हमारा। अदरवाइज़ वो सुनते तो यही है कि पूरा पूरा दिन लग जाता है वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं था इस बार। हमारा तो खैर 1-2 घंटे में हमारा सारा काम हो गया था, मतलब 3 घंटे में टोटल आना जाना सब कुछ हो गया था हमारा। और वहाँ पे घूम भी लिए थे, बस जहाँ गए थे होके फटाफट आ गए थे। और काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर रही थी, तो इतना चेंज था, इतना चेंज था, मैं तो शॉक हो रही थी देखने के बाद कि कितना डिफरेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, जाने का आलस कर जाते हैं, कहीं से भी पसंद कर लेते हैं, तो हम उसमें डबल डबल पैसे हम चुकाने पड़ते हैं। अगर आप उस जगह पहुँच के कम रेट में ले लेते हो तो अपना पैसा बचा सकते हैं। और वही बात है ना कि तो आप जाइए और देखिए, मेरे कहे से देखिए, जाके वहाँ पे हर चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और मुझे बताना कैसा लगा। जाने वाले जाते भी हैं, हम तो खैर नहीं जा पाते इतना, लेकिन सोचती हूँ हर चीज़ के लिए जाना चाहिए अगर पैसा बचाना है तो। अदरवाइज़ इतना इतना पैसा हमारा ऐसे ही उड़ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, फिर बाद में लगता है अरे ये तो वेस्टेज चले गए, ऐसे तो वहाँ से ही ले आते। तो वही बात है, हम बड़े बड़े शोरूम से भी लेते हैं काफ़ी महंगा, लेकिन ये है कि अपना अपना देख के चलना चाहिए ये चीज़ को। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, तो चलिए बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। This station is Arthala. Doors will open on the left.
देखिए हम आ गए, मतलब पता भी नहीं चला हम कब में मार्केट आ गए थे। मुझे तो बहुत ऐसा जल्दी जल्दी लगा, खाली पड़ा था पूरा मार्केट। हम सुबह मतलब आ गए थे यहाँ पे 11 बजे मेरे ख्याल से हम आ गए। हाँ 11 बजे, 11:30 तक हम आ गए थे यहाँ पे। और ये देखो मैं सबको ना पूछती हुई जा रही हूँ जो जो मेरे को लगा। मैंने अभी ना एक स्वेटर ख़रीदा था अपने इधर से ही, वही सेम यहाँ पे भी था जो मैंने वहाँ पे मतलब 1500 का लिया था, वो यहाँ पे 1000 का था। अब आप मान लीजिए कि मतलब 500 रुपये का डिफरेंस था उस चीज़ में, तो आप लगा ही सकते हैं तो फिर कितना डिफरेंस हर चीज़ में होता है। जो लहंगा मैंने अपनी सिस्टर की शादी में ख़रीदा था 6000 का, यहाँ से मतलब जिधर मैं रहती हूँ, और वो ही लहंगा वहाँ पे था मेरे ख्याल से 3000 का, इतना डिफरेंस था। हमने सेम टू सेम पूछा तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है वो चीज़ों का। हमें भी आइडिया होता है, पर वही ना हम आलस कर जाते हैं कि कैसे जाएं, परेशान होंगे, भाग दौड़ होगी, ये सब चीज़ होगी। लेकिन ये गाइज आप लोग जाइए, एक लिस्ट बना के जाइए, एक दिन के लिए ज़रूर जाइए, आपको जब भी टाइम लगे और जब भी किसी की भी शादी की शॉपिंग हो या कुछ हो तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इतना पैसा बचा सकते हैं तो मैं तो कहूँगी ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के पास वही है ना, हम आलस कर जाते हैं। यूँ तो आप मॉलों में जाके ले सकते हो जिनके पास खूब पैसा होता है। कहते ना पैसा फेंको तमाशा देखो, वही वाला काम होता है, खूब करते हैं करने वाले। लेकिन जिसको अपना घर देख के थोड़ा सा चलना होता है, क्योंकि उसी बजट में उनको सब काम करने होते हैं, तो उनका हर चीज़ सोचनी पड़ती है। अदरवाइज हाथ में तो खूब होता है तो खूब कुछ भी कर सकते हैं इंसान, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि कुछ भी कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन जिसको अपना घर देखना होता है, बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, हर चीज़ को समझना होता है, उसी बजट में सब चीज़ करनी होती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान, मतलब अगर ये चीज़ें आप बजट देखना चाहते हैं, बजट में चलना चाहते हैं, तो आप चांदनी चौक से शॉपिंग ज़रूर करा कीजिए। और जब भी मतलब शादी का या कुछ भी हो, इकट्ठा जाइए, ये नहीं कि एक ही सामान के लिए जाइए, हमेशा लिस्ट बना के जाइए। लिस्ट की ज़रूर प्रिपरेशन करके जाना और उसी हिसाब से जाइए कि हमें इस बजट में ही इतनी चीज़ें लेनी है, तो आप उसी बजट से आप काम करेंगे। अदरवाइज़ हम ना लिस्ट नहीं बनाते और बहुत कुछ भी उठा उठा के लाते तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है हम लोगों का। और ये लिस्ट बनाने की आदत तो मैंने खैर बहुत टाइम से डाल ली है, तो मैं हर चीज़ की लिस्ट बनाती हूँ, अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग की लिस्ट बनाती हूँ, कहीं पे कुछ सामान लेना होता है मंथली का, वो भी ऐसी शॉपिंग मतलब पूरी लिस्ट बनाती हूँ क्या लेना होता है ऐसे करके। और ये देखिए पूरी मार्केट मैंने मतलब इतना बढ़िया लग रहा था मुझे को, हर चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा ये भी ले लो ये भी ले लो, पर वही ना इतना का करना क्या है, हमें तो वेस्टेज है, इतना आलतू फालतू सब चीज़ें नहीं लेना। बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे थे वहाँ पर, बहुत अच्छे थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी में भी थे। और ये देखो खाली पड़ा था, सारा का सारा चीज़ खाली पड़ी थी। और वहाँ पे हमने सुना था वहाँ पे अरुण वरुण की शॉप है, तो हम वहीं गए थे फर्स्ट टाइम ही गई थी हाँ मैं, तो उससे पहले तो हम चांदनी चौक जा चुके हैं काफ़ी, मतलब 2-3 बार जा चुके हैं। मेरी मम्मी और भाई की, मेरे भाई की शादी थी उस टाइम पे गई थी मैं, और तो तभी गए थे। काफ़ी बहुत साल बाद गई हूँ, 10 ही साल हो गए हूँ जब से मैं अब गई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बेडशीट क्या, चप्पलें क्या, सूट क्या, मतलब सबके रेट काफ़ी डिफरेंट थे, बहुत डिफरेंट थे। तो कहते हैं ना चांदनी चौक से हर लहंगे तो ऐसे लग रहे थे बहुत कम रेंज के, मतलब जो ब्राइडल लहंगे थे वो भी मुझे बहुत अच्छे और कम रेंज में लेते, जो दुकानों पे इतने महंगे महंगे होते हैं।
आप लोग जाना एक बार, एक्सप्लोर जरूर करना मेरे कहे पे। और जो नहीं गए हैं, जो जा चुके तो खैर उनको तो पता ही होगा, अदरवाइज़ और बताना कैसा लगा वहाँ पे सब चीज़ों को देख के। और क्योंकि देखो हम लोग इधर उधर घूमते, इतना पैसा वेस्ट करते हैं, अगर एक दिन जाके वहीं पर चले जाएँ, वहीं सब कुछ देख लें तो काफ़ी पैसा बच सकता है आप लोगों का। तो प्लीज़ जाना ज़रूर और देखना, और कमेंट करके बताना मेरे को कैसी लगी वीडियो। और काफ़ी मुझे तो, और पता है वहाँ पे जहाँ पे हम गए थे वहाँ लाइन लगी रहती है, कहते हैं कि बहुत पहले से लाइन लग जाती है, इसी वजह से हम सुबह सुबह गए थे। लेकिन शुक्र मनाओ हमारा लक अच्छा था, उस दिन कैसे तो बहुत कम भीड़ थी और हमारा जल्दी नंबर आ गया था। तो हमें किसी की शादी थी, हमें वहाँ पे देना था साड़ी वगैरह, तो वहाँ उसके लिए गए थे कि चलो वहीं से देख लेते हैं, तो फिर ऐसे जाना हुआ था। अदरवाइज़ तो मैं जाती भी नहीं अपनी, जब थी बहन भाई, मतलब मेरी बहन की शादी थी, मैं तब भी नहीं गई, यहीं से सारी शॉपिंग कर ली। अगर मुझे पता होता इतना अंतर पड़ता है तो मैं वहीं से जाके ले लेती, इतना कष्ट तो कर ही सकते हैं अपनी हर चीज़ को देखने के लिए। तो अब आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का अपना, कि वहीं पहुंच जाए अपना हर चीज़ के लिए। चक्कर है ना, वहाँ पे सबको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बस हमें एक शॉप का पता था, हम उसी शॉप पे गए, बाकी का तो देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा हर चीज़ को। तो टाइम लगता है सब चीज़ों को देखने में, और इनका ऑफिस भी था ना, तो इनको आके ऑफिस भी करना था, तो मैं तो जल्दी जल्दी में गई थी, और फिर हमें जल्दी आना भी था क्यों, बच्चे स्कूल से आने वाले थे, इसीलिए बस थोड़ा सा तो जल्दी हो पाया था। और मतलब काफ़ी मैं रेटों को पूछती हूँ, ये तो देखने नहीं देते, बट मैं तो सबके रेटे पूछती जा रही थी, काफ़ी डिफरेंट, मुझे तो काफ़ी मतलब मैं तो शॉक होए जा रही थी, मैंने कहा है इतने का है इतने का, तो ऐसे करके होता है। तो आप प्लीज़ जाइए और देखना जाके वहाँ पे, आपको काफ़ी चेंज लगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो फर्स्ट टाइम जा रहे हो वहाँ पे तो। और चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, आगे और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। अगर व्लॉग्स चाहिए तो व्लॉग्स बताना तो व्लॉग्स लाऊंगी, रिव्यू की चाहिए तो रिव्यू बताना, मतलब जोन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, जो वीडियोस मेरी आप कमेंट करके बता सकते हैं तो उसी पे वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन गैंग वगैरह इस टाइप से नहीं बनानी मेरे को। तो प्लीज़ बताना, देखो लटकन लटकन तो इतनी सही मिल रही थी ना, जो लटकन इतनी महंगी मिलती है मार्केटों में, वहाँ लटकन बहुत रेट सही था, मतलब 100 150 में से भी कम, 100 में भी मिल रही थी, 50 में भी मिल रही थी, मतलब बहुत कम रेट थे। तो काफ़ी मैंने भी ली है लटकन अपनी, पता नहीं 2 दिन कितने की, 250 कुछ की ली है, वो मुझे इतनी महंगी पड़ी, वो भी बहुत सस्ती थी वहाँ पर, तो काफ़ी अंतर पड़ जाता है। और जिस शॉप पे हम गए थे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ पे वो अंदर एंट्री ऐसे ही करने थे, लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम है कि वहाँ पे फटाफट फटाफट साड़ियाँ, मतलब अपने जिसने हाथ रख दिया वो उसी को मिलेगी, अदरवाइज़ दूसरे को नहीं देते वो, तो उस चीज़ का ध्यान रखीजिए। वहाँ पे सबके किस मतलब जो सेक्शन वाइज होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, तो जैसे 500 की आपको लेनी है वो एक सेक्शन में है, 500 तक साड़ियाँ, 1000 की एक सेक्शन में, ऐसे ऐसे करके हैं। और फ्लोर्स बने हुए हैं सूट का अलग, साड़ी का अलग, लहंगे का अलग, तो ऐसे करके भी है। तो वहाँ पे ये सिस्टम मुझे नहीं पता था कि जो हाथ रख दे वो उसी की साड़ी, उसके फिर दूसरे को नहीं मिलती है, और फटाफट ऐसी चीज़ होती है, मतलब वहाँ पे तो बंदे होने चाहिए अपने ही, 4 5 जाओ ना तो बेटर है, अकेला बंदा तो पागल हो जाए वहाँ पे। वो तो शुक्र है मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, हम 2 जने थे, हम इतना कुछ लेना भी नहीं था, एक दो ही लेना था, तो बस हमने जल्दी जल्दी जाके देख लिया और तो हो गया। ये देखो लाइन लगी हुई है यहाँ पे, इस जगह से लाइन स्टार्ट हो गई थी, तो हमारा तो खैर 5 6 में नंबर आ गया था, ज़्यादा नहीं एकदम से हुआ था। और बस उसके बाद में मैं देख रही थी पूरे थोक के थोक, पूरे डब्बे के डब्बे, सब लोग शादियों का सामान खरीदते हैं ना सब लोग, तो सब लोग इकट्ठे के इकट्ठे ले के आ जाते हैं और पूरा बिल बनाते हैं एकदम से, मतलब यहाँ पे तो अगर आपको आना है तो शादियों के लिए तो बेस्ट है, अदरवाइज़ एक साड़ी के लिए तो वो भी मतलब आनाकानी करेंगे दिखाने में, इतना आनाकानी, लेकिन वही ना एक साड़ी के लिए लगता है बंदा जाता है तो लगता है कि हाँ और भी ले लो, और भी वो मन कर जाता है लेने का, तो उसी हिसाब से जाइए अपना देख के बजट बना के। और लेकिन हाँ शादियों का अगर आपको कपड़ा ख़रीदना है तो ज़रूर वहीं से लेना आप लोग, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये देखो ये अरुण वरुण राइट साइड में है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इनके मोबाइलों की एंट्री करते हैं तभी ऐसे जाने देते हैं, और ऊपर सब में कैमरे वैमरे सब होते हैं वहाँ पे, कोई भी ऐसे नहीं घुस सकता वहाँ पे। और कहते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है जो अगर गर्मियों में जाओ तो, इसलिए सुबह जल्दी ही जाना चाहिए वहाँ पे, मतलब आप 9 बजे तक पहुँच जाओ, अगर दुकान खुल जाती है 10 बजे तो 9 बजे 9:30 तक तो आप पहुँच ही जाओ किसी भी हालत में, तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। और बस हम वापस आ गए थे, अब मेट्रो स्टेशन पर अब घर जा रहे हैं। Thank you.
तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आती हूँ। अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियो लगी हो, और बताना कैसी लगी। देन बाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, कमेंट कर जरूर बताना, लाइक ज़रूर करना।